हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर की वीडियो में। आज है 12 सितंबर 2018 और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करने का प्रयास। चलिए, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट है examguruji.in, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और साथ ही ये पीडीएफ यदि आप अपनी कोचिंग संस्थान के नाम से भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ नाममात्र के शुल्क के साथ आप हमें कॉल कीजिए 09826590517, यहां से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। कल का पहला प्रश्न था कि आकांक्षी जिलों पर केंद्रित सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। दूसरा है कि किस देश की सेना ने भारत में होने जा रहे बिम्स्टेक के पहले सैन्य अभ्यास में शामिल होने का फैसला किया है, नहीं शामिल होने का फैसला किया है, तो ये फैसला किया गया नेपाल के द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, इसके तहत बच्चों की कौन सी बीमारी को कवर किया जाएगा, तो कैंसर या चाइल्ड कैंसर जो होता है बच्चों के अंदर उसको कवर किया जाएगा। चौथा प्रश्न, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। पांचवा प्रश्न है, सबसे बड़े युद्ध अभ्यास वोस्टोक 2018 का आयोजन किन देशों के बीच होगा, तो ये होगा रूस और चाइना के बीच में, और रूस जो है इसका आयोजन करेगा। पांचवा छठवां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान ओशियन क्लीनअप किस स्थान पर आरंभ किया जाएगा, तो यूएसए में कैलिफोर्निया से स्थान ये आरंभ किया जाएगा। सातवां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप यानी घर के घर पर विभिन्न सरकारी सुविधाओं के लिए डायल 1076 सेवा लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। आठवां प्रश्न है कि किसे वीमेन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंडिया अवार्ड्स में पहला मेरिल स्ट्रिप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है ऐश्वर्या राय को। और नवा प्रश्न है कि IAAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो पहले भारतीय बने हैं अरपिंदर सिंह। और दसवां प्रश्न है कि अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो ये थे आज के हमारे कल के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, अभी ही शेयर कर दीजिए। क्यों जरूरी है शेयर? आपका एक शेयर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिनको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ में पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, सबसे बेस्ट पीडीएफ हम तैयार करने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर की आपके लिए। पहला प्रश्न है, भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय ने कहां संचालन शुरू किया है, तो भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय संचालन शुरू किया है गुजरात के बड़ौदा में। ठीक है, कहां पर? गुजरात के बड़ौदा में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। डिटेल देखिए क्या है कि परिवहन क्षेत्र में देश में अपने तरह का पहला विश्वविद्यालय खोला गया है और इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, इसने परिचालन शुरू कर दिया है और ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ौदा में कार्यशील है। ठीक है, तो बड़ौदा में इसने परिचालन शुरू कर दिया है। इसको रेल मंत्रालय जो है उसके द्वारा वित्त पोषित है, यानी उससे पैसा मिला है। अच्छा, रेल मंत्रालय की बात आई है तो रेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के रूप में इसमें कौन कौन शामिल है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और कार्नेल विश्वविद्यालय, और इसके अलावा ये विश्वविद्यालय दो विषयों में स्नातक की उपाधि देगा, बीएससी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और बीबीए ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, और प्रत्येक के अंदर 50-50 छात्रों को इसमें जो है एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो बीएससी करवाएगा और बीबीए करवाएगा। बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि ओएनजीसी को हाल ही में किन दो राज्यों में तेल और गैस के भंडार प्राप्त हुए, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, और ये प्राप्त हुए मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। कहां कहां प्राप्त हुए? ए ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किसके तेल और गैस के भंडार प्राप्त हुए। डिटेल देखिए इसके क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सरकारी कंपनी। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसने मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो तेल और गैस की खोज की है। मध्य प्रदेश के विंध्य बेसिन ब्लॉक में गैस भंडार खोजा गया है और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला है उसके अशोकनगर में इसकी जो है खोज की गई है। मध्य प्रदेश में गैस भंडार मिला है और अशोकनगर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर तेल और गैस दोनों मिले हैं। ओएनजीसी की बात करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1954 की और मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष और MD है वर्तमान में इसके शशि शंकर। चलिए, अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि किस एयरपोर्ट पर भारत में पहली बार
बायोमेट्रिक बोर्डिंग से पहचान सुनिश्चित करने की सुविधा आरंभ करने की घोषणा की गई है, और ये जो घोषणा की गई है बेंगलुरु के लिए की गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा, यानी चेहरे की पहचान की जाएगी। डिटेल देखिए तो कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है उसको पेपरलेस कर दिया गया है और पूरी तरह से डिजिटल बनाने की कवायद के लिए एक अभियान प्रारंभ किया गया था। अभी इसी अभियान के तहत क्या किया जाएगा, यात्रियों को बोर्डिंग पास दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो ऐसा भारत का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा जो ऐसा करेगा, ठीक है। और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी से यात्रियों के जो चेहरे हैं उनकी पहचान की जाएगी, और इससे वे एयरपोर्ट पर कहीं भी आ जा सकेंगे। बार बार बोर्डिंग पास, पासपोर्ट और जो कागजात दिखाने होते हैं पहचान के लिए, वो दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। बात करते हैं अब हम बेंगलुरु की। बेंगलुरु कहाँ है, राजधानी है कर्नाटक की, और इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आईटी कंपनीज यही एग्जिस्ट करती है भारत के अधिकतर, और अपने सुहाने मौसम के कारण इसे भारत का उद्यान नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की। तो पहली बार मार्च 2018 में लॉस एंजलिस का यूएसए के अंदर, यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क के बाद, लॉस एंजलिस एलए के नाम से जानते हैं, और उस एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, एशिया में सबसे पहले पूछे तो एशिया में चाइना ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया है। भारत में कहां किया जा रहा है, तो बेंगलुरु में सबसे पहले किया जा रहा है। बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निम्न में से किस अधिनियम के तहत भेदभाव करने को दंडनीय अपराध की अपराध घोषित किया गया है, यानी अब अगर इसके तहत अपराध किया जाए तो वो दंडनीय होगा, और वो है एचआईवी एड्स अधिनियम 2017, ठीक है। एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 इसको लागू कर दिया गया है। डिटेल देखिए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, इस मंत्रालय के मंत्री है जेपी नड्डा, ठीक है, याद रखिएगा जेपी नड्डा, और उन्होंने ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ठीक है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, और एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, अक्वायर्ड इम्यून कमीशन सिंड्रोम, ठीक है, इसके रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2018 के कार्यान्वयन की घोषणा की है, ठीक है। एचआईवी और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के कार्यान्वयन यानी उसको लागू करने की घोषणा की है, और इसमें व्यवस्था की गई है कि एचआईवी संक्रमित या प्रभावित जो व्यक्ति होगा या 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के व्यक्ति को एक साझा घर में रहने और उसकी सुविधाओं का आनंद लेने का पूरी तरीके से अधिकार है, यानी जिस घर में रहता है वो वहीं रहेगा और वहां जितनी भी सुविधाएं मिलती है उसका वो आनंद लेने का उसके अधिकार होगा। यदि कोई इसके तहत कार्यस्थल में कहीं पर भी, ठीक है, रोजगार कार्यालय स्थल कार्यस्थल कहीं भी एड्स से पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसको अपराध घोषित किया गया है और उसमें सजा हो सकती है। अब हम बात करते हैं एचआईवी की। जैसा कि इसकी फुल फॉर्म बताई, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ठीक है। एचआईवी क्या है, एक अति सूक्ष्म विषाणु है, तो याद रखिएगा एचआईवी एक विषाणु है, इसकी वजह से एड्स होता है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम ये होता है, और एड्स भी कोई रोग नहीं है बल्कि एक संलक्षण है, ठीक है, एक संलक्षण है। ये क्या करता है, इसकी वजह से मनुष्य का जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है यानी कि जो प्राकृतिक नैसर्गिक क्षमता होती है सामान्य व्यक्ति में, वो प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। इससे क्या होता है, सामान्य से सामान्य बीमारी लाइलाज बन जाती है और कई बार उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये एड्स है पूरा, इसकी जानकारी। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि इजमिर यानी कि तुर्की में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में फोकस देश कौन है, तो इस बार जो है फोकस देश जो घोषित किया गया है वो है भारत। डी ऑप्शन सही, भारत इसका फोकस देश है इस बार। डिटेल देखिए इसकी क्या है, तो भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद टीपीसीआई, इसकी अगुवाई में 75 सदस्यों का एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल तुर्की में आयोजित हो रही 87वीं इजमिर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इसमें भाग ले रहा है, और भारत इस प्रदर्शनी में फोकस देश है, और भारत ने वहां पर सोर्स इंडिया के नाम से स्वयं का अपना पांडाल, ठीक है, या मंडप जिसे कहा जाता है, वो लगाया हुआ है, जिसमें अलग अलग कंपनियां अपने जो है प्रोडक्ट वहां पर रख सकती हैं। तुर्की कहाँ है, तुर्की वैसे तो एशियन कंट्री है लेकिन इसका कुछ भाग यहाँ पर देखिए, इससे कुछ भाग इंस्ताबुल जो है इसकी सिटी का कुछ भाग यूरोप में आता है, बाकी जो है टर्की एशिया में आता है। राजधानी क्या है, इसकी अंकारा है। राष्ट्रपति यहाँ के रजब तैयब एर्दुगान, ठीक है, और मुद्रा है तुर्किस लीरा, और एक तुर्किस लीरा के अंदर 11.28 इंडियन रुपीज होते हैं। मैप में इसको जरूर आप लोकेट करिएगा। बात करते हैं हम छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न क्या है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2018 इसका आयोजन किया जाएगा, ये शुरू हो चुका है, और ये शुरू हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में। ए ऑप्शन सही है, भारत और मंगोलिया।
डिटेल देखिए इसकी क्या है। भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास है नोमाडिक एलिफेंट 2018, 10 सितंबर को मंगोलिया सशस्त्र बलों MAF 5 हेल्थ ट्रेनिंग एरिया मंगोलिया में शुरू हो गया। तो कहां पर शुरू हुआ? मंगोलिया में। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ, मतलब साथ में, मंगोलिया के साथ में, ठीक है। और नोमाडिक एलिफेंट सेना अभ्यास ये वार्षिक द्विपक्षीय, द्विपक्षीय का मतलब दोनों देश भाग लेते हैं, और इसे भारतीय सेना और मंगोलिया के सशस्त्र बलों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए जो है आयोजित किया जाता है। मंगोलिया कहाँ है? मंगोलिया भी एक एशियन कंट्री है, चाइना के ऊपर, ठीक है, भारत भारत के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, ये है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या? उलान बटोर, और राष्ट्रपति है यहाँ के खल्त मागिन बुलटुगा, ठीक है। मुद्रा यहाँ की तोगोर्ग, और 1 इंडियन रुपीज में लगभग 33 मंगोलियन तोगोर्ग होते हैं। ये यहाँ पर मंगोलिया को आप जरूर देखिएगा। और मंगोलिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसको कि गोबी कहा जाता है, गोबी, ठीक है। कहाँ कहाँ है? मंगोलिया और चाइना के अंदर है। और चंगेज खान का नाम अगर आपने सुना तो चंगेज खान जो था वो मंगोलिया का ही रहने वाला था। बात करते हैं सातवें प्रश्न की। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? और भारत के साथ ही शुभारंभ किया गया बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश में ही ये तीनों की तीनों परियोजना है। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 10 सितंबर को 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया, और तीनों परियोजना बांग्लादेश में, ठीक है। इसमें भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। उसके अलावा अखोरा अगरतला, अगरतला राजधानी किस प्रदेश की है? ये आपका आज का प्रश्न है, आपसे मुझे आंसर जरूर बताइएगा। अखोरा अगरतला रेल संपर्क और बांग्लादेश रेलवे के कुलोरा शाहबाजपुर खंड का पुनर्वास इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। और अखोरा अगरतला रेल लिंक जो है त्रिपुरा की राजधानी, देखिए इसका उत्तर यही मिल गया आपको, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के साथ बांग्लादेश के अखोरा को ये जोड़ता है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। मुद्रा क्या है यहाँ की? मुद्रा है 1 इंडियन टका, और 1 इंडियन रुपीज में 1.16 बांग्लादेशी टका होता है। मैप में देखिए ये बांग्लादेश से भारत के बगल में है। चलिए बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न, 2018 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ता सम्मेलन, ठीक है, अभी सम्मेलन नहीं है ये, वार्ता सम्मेलन है, इस कहां संपन्न हुआ है? और ये संपन्न हुआ बैंकॉक के अंदर। कहां पर हुआ? बी ऑप्शन सही है, बैंकॉक में सही हुआ। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो 6 दिवस का 2018 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बैंकॉक वार्ता सम्मेलन 9 सितंबर को थाईलैंड में संपन्न हुआ। संधि पर हस्ताक्षर जो किया था पिछली बार जो सम्मेलन हुआ था पेरिस में, उसके सम्मेलन हस्ताक्षर करने वाले 178 देश और 140 गैर सरकारी जो संगठन है उन्होंने इसमें भाग लिया है। अभी पोलैंड की कटोविस जगह है वहां पर सम्मेलन आयोजित किया जाना है दिसंबर में, ठीक है। ये जो सम्मेलन होगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और 24वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है महासभा, उसमें उसकी तैयारी के लिए ये जो है आयोजित किया गया था, ये वार्ता आयोजित की गई थी। बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की, बड़ा इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश कितने हैं? 193 के सदस्य देश हैं। आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं जो कि वहां की आधिकारिक भाषा है। बात करते हैं हम 9वें प्रश्न की कि परिवर्तनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आदर्श अंतरराष्ट्रीय केंद्र ACTAI, इसकी स्थापना इंटेल, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR और किस भारतीय आयोग द्वारा की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना की जाएगी नीति आयोग। कौन कौन शामिल होंगे इसमें? एक नीति आयोग, दूसरा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR और इंटेल, इन तीनों के द्वारा की जाएगी। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो नीति आयोग, इंटेल और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR, ये 6 सितंबर को घोषणा किए कि वे AI और अनुप्रयोग आधारित शोध परियोजनाओं के विकास के लिए और क्रियान्वयन के लिए परिवर्तनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इसकी स्थापना करेंगे। और ये जो पहले नीति आयोग का कार्यक्रम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति, और उसी के तहत इसका ये जो किया जाएगा। बात करते हैं हम नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग का नाम यहाँ पर आया है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो PM होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जो भी PM रहेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष अपने आप रहेगा। तो वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पहली बार स्कीट, एक स्पर्धा होती है स्किट या स्कीट स्पर्धा, इसमें स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तीनों के तीनों खिलाड़ी हैं, गुरनेल सिंह ने,
व्यक्तिगत स्पर्धा में, और आयुष रुद्रराज और अनंत सिंह नारूला इन दोनों ने टीम के रूप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा उपरोक्त, तो सभी डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो गुरनेल सिंह गारचा ने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता, और आयुष रुद्रराजू और अनंत जीत सिंह नारूका इनकी टीम ने रजत पदक जीता है, ठीक है। और इस प्रकार से भारत जो है विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित हो रही है उसमें पहली बार स्किट स्पर्धा में पदक जीता है इसने। और दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित हो रही है 52वीं ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप, भारत ने पुरुष स्किट निशानेबाजी में 2 पदक जीते। इसके साथ 10वें दिन तक उसने कुल 22 पदक इकट्ठे भारत ने कर लिए। कहाँ आयोजित हो रही है, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं, राजधानी इसकी सियोल है। मैप में देखिए ये दक्षिण कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के नीचे जापान के पश्चिम में। और राष्ट्रपति है यहाँ के कौन है, मून जे इन, और मुद्रा क्या है, दक्षिण कोरियाई वान। और 1 इंडियन रुपीज में लगभग 15 दक्षिण कोरियाई वान होते हैं। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। अब बात करते हैं कुछ अन्य करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला है कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युद्ध क्षेत्र पर्यटन शुरू करने की एक योजना बना रहा है। दूसरा है न्यायमूर्ति ओम प्रकाश मिश्रा जो है नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला है कि देश का पहला 205 टन वाला इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव रियर डंप ट्रक BH205E भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये एक सार्वजनिक कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसके द्वारा मैसूर प्लांट में डिजाइन और विकसित किया गया है, और इसका 10 सितंबर को शुभारंभ किया गया, तो याद रखिएगा। अगला है 10 सितंबर 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO कार्यालय को बंद करने की घोषणा कर दी है। और अगला है कि विदेश मंत्रालय ने 10 सितंबर को ही भारत और अफ्रीका के बीच ई विद्या भारती, ई योग भारती और नेटवर्क परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दूर संचार कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। आई होप कि आपको आज का करंट अफेयर पसंद आया होगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।